दादाजी खाद रख दे बेटा। दादाजी पौधे में खाद क्यों डालते हैं? पौधे को मजबूत करने के लिए। तभी तो दादाजी आज हमारे विद्यालय में स्वीप की टीम आई थी, वे कह रहे थे कि वोट डालने से लोकतंत्र मजबूत बनता है। दादाजी आप भी चाहोगे ना वोट डालने? आजकल मशीनों से वोट डाले जाते हैं और समझ में नहीं आता बटन कौन सा दबाया जाए। बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ चलो दादाजी, आपको विद्यालय में स्वीप टीम समझा देगी कि मशीन से वोट कैसे देते हैं। दादाजी आजकल मशीनों से जैसे ही वोट डालते हैं वह हम वीवीपीएटी मशीन से 7 सेकंड तक देख भी सकते हैं कि हमने किसको वोट किया। अच्छा बेटा ऐसा भी होता है? हाँ चलो दादाजी स्कूल में दिखाते हैं। देखो दीदी चाय ले आई। अरे आप सब क्या बातें कर रहे हो, कहाँ जाने की बातें कर रहे हो? अरे दीदी हम दादाजी को मशीन से वोट कैसे दे इसकी जानकारी के लिए स्कूल ले जा रहे हैं। दादाजी मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट बेटा क्यों हो रही है? क्योंकि दादाजी मैं पहली बार वोट डालने जाऊंगी ना, इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। अरे दीदी तुम नवमतदाता हो, तुम्हारी घबराहट को दूर करने के लिए ही तो स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलो आप भी हमारे साथ स्कूल चलो। ठीक है बेटा साथ चलते। चलो चलो। आखिर ये स्वीप कार्यक्रम है क्या? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेशन, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप कार्यक्रम कहलाता है। दीदी आया ना समझ में कि स्वीप कार्यक्रम है क्या? देखो दीदी हमारे विद्यालय की टीम मतदाता जागरूकता के नारे भी लगा रही है। हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो हम भी उनके साथ नारे लगाते हैं। चलो समझदारी काम आएगी, लोकतंत्र का पर्व मनाएंगे। देखो दादाजी वो रहे स्वीप टीम के प्रभारी, आओ आपके बात करवाते हैं। नमस्कार सर, राम राम सर। एक बिटिया को मशीन के बारे में बता रही थी। हाँ स्वीप टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। ये निर्वाचन विभाग की योजना है और इसके तहत हम मतदाताओं को जागरूक करते हैं और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनकी कोई भी शंका है समाधान है उसको दूर करते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान की प्रक्रिया में भाग लेकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। साहब गुड़िया बता रही थी कि ये आजकल ऐसी भी मशीन होती है जिसे हम वोट देते हैं उसे देख भी सकते हैं। इसने बहुत सही बताया आपने, कई मतदाताओं के मन में ऐसी भ्रांति होती है उसको दूर करने के लिए एक बॉक्स नुमा मशीन है जिसको वीवीपैट बोलते हैं, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। इस मशीन में 7 सेकंड तक जैसे ही आप मतदान करेंगे आप उस जिस भी उम्मीदवार को वोट दिया है उस उम्मीदवार का नाम और चिन्ह उसमें मशीन में आपको दिखाई देता है और उसके पश्चात वो का वो चिन्ह नाम वाली पर्ची कट करके उसके अंदर गिर जाती है। तो मतदाता के मन में शंका जो है उसको दूर करने के लिए इस मशीन का निर्माण किया गया है। चलो मतदान केंद्र में आपको वोट देते देकर ही अभी हमारी टीम है, दक्ष प्रशिक्षक है इसमें, ये आपको पूरी की पूरी आपकी कोई भी मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आपको प्रैक्टिकली सारी चीज समझाएंगे। आप खुद वोट देंगे और इस प्रक्रिया को समझेंगे। आइए मैं मतदान अधिकारी में आपकी पहचान सुनिश्चित करूंगा। मतदाता पर्चे पत्र तथा अन्य दस्तावेज से पहचान सुस्थापित हो जाने पर मतदाता नामांकित क्रमांक पुकारूंगा और आपके नाम को रेखांकित करूंगा। यदि स्त्री मतदाता है तो उसके नाम के साथ और टिक मार करूंगा और आपको द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजूंगा। मैं हूँ द्वितीय मतदान अधिकारी, मैं मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 कह में आपके हस्ताक्षर कराऊंगा। मतदाता की बाई तर्जनी पर अपनी साई लगाऊंगा। मतदाता स्लिप जारी करूंगा और आपको तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेजूंगा। मैं हूँ तृतीय मतदान अधिकारी, मैं मतदाता से पर्ची प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखूंगी। वह कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर मत जारी करूंगी। आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले रेडी यानी हरी बत्ती इसमें होनी चाहिए, उसके बाद में आपको जो सामने नीले बटन दिए गए हैं
उनमें से आप अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने का नीले बटन का उपयोग करेंगे। उसके बाद में ये जो हरी बत्ती है ये तो बंद हो जाएगी और नीले बटन के सामने की लाल बत्ती ऑन हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो मत है वो आप इस वीवीपीएट की मशीन में देख सकते हैं और यहाँ पर जो वीवीपीएट मशीन में जो वोट का प्रदर्शन है वो 7 सेकंड के लिए होगा। उसके बाद में कंट्रोल यूनिट में बीप की आवाज आएगी, उसके बाद और ये जो पर्चियां दिखाई दी है वो कट करके नीचे गिर जाएगी। उसके बाद ही आपको स्थान छोड़ना है। अब आप इसमें मतदान करके देख सकते हैं। मजा ही आ गया वोट देने की प्रक्रिया को देखकर। इतने दिनों से जो घबराहट हो रही थी कि मैं पहली बार वोट कैसे डालूंगी, अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ वोट डालूंगी। हाँ दीदी, हमने बताया था ना आपको कि पूरा समझ में आ जाएगा। हाँ मेरे भी समझ में आ गया, मशीन से वोट डालना बहुत ही आसान है।